आशीष पांडे है। मैं यहाँ मैं मेरा घर गोंडा जिले में उत्तर प्रदेश में गोंडा बलरामपुर रोड पर, वहाँ से लगभग मैं गोंडा मेन जो ओवर ब्रिज है रेलवे का, वहाँ से कम 25 किलोमीटर आगे जाएंगे तो पड़ेगा, अयोध्या से लगभग पड़ जाता है 800 किलोमीटर दूरी। मैं 2018 में ITI कम्प्लीट किया, उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ फैजाबाद अयोध्या में कोचिंग चलता है मेरे परिवार क्लासेस, और मैं उससे आके जुड़ा। फिर मैंने 18-19 में तैयारी किया तो गुरु जी के यहाँ आया, गुरु जी का मार्गदर्शन मिला और हम मतलब 8-9 महीने तैयारी किए, उसके बाद में मेरा CITS में एडमिशन हो गया। तो CITS में लखनऊ अलीगंज मुझे मिला, CITS में गवर्नमेंट कॉलेज, तो मैंने वहाँ पर जाके CITS एडमिशन करवा लिया, क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट के लिए जॉब है, मतलब निदेशक बनने के लिए। तो मैं सोचा बाई चांस अगर रेलवे में नहीं होता वैकेंसी तो आ गई थी, तो हम कहे एक डिग्री वो भी मिल जाएगी, तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। बाकी मैं कोचिंग यहाँ जो पढ़ा था उसी का नोट्स था, वहीं से पढ़ाई की, बाकी कुछ मोबाइल वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़े, मतलब क्योंकि मटेरियल चाहिए तो मटेरियल कुछ बुक से मिला, कुछ नोट से मिला, और प्रॉपर मैंने तैयारी किया। फिर मेरा सिलेक्शन जब रेलवे LP टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ तो उसमें हुआ, और फिर बाद में LP में जो था मेरा थोड़ा तो नंबर एक दो नंबर कम थे तो बेटिंग में हो गया था, और टेक्नीशियन में मेन लिस्ट में था। जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा सिलेक्शन टेक्नीशियन में हुआ, और मैं इस समय टेक्नीशियन के पद पर ही गोंडा में कार्यरत हूँ। और अब प्रॉपर इसलिए गुरु जी से बहुत बार मिलने की इच्छा हुई, तो पहले बिहार में थे, प्रमोशन मतलब पोस्टिंग बिहार में हुई थी तो नहीं आ पाए। जब मैं गोंडा आ गया तो फिर तुरंत होकर गुरु जी से अब मिलने चलते नज़दीक है, टाइम मिला, छुट्टी लिए, फिर आए यहाँ। और बाकी आप सब भी भैया लोग बहने लोग पढ़िए, गुरु जी बहुत डीपली पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ते रहिए। वैकेंसी बस यही है कि गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं दे रही है, अगर प्रॉपर वैकेंसी देगी तो आप सब अगर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो आप सबका भी सिलेक्शन कहीं ना कहीं जरूर होगा। गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, सिलेक्शन आप भी लोग जाएंगे, जाकर भी पढ़िए, क्यों कोचिंग के बदौलत ना रहिए कि गुरु जी पढ़ाए उसको आप रिविजन करेंगे तभी याद होगा ना, खाली यहाँ 2-3 घंटे में कितना पढ़ लोगे, तो पढ़े हैं जो बताएं उसको आप रिवीजन करेंगे, एक बार में नहीं आता है, जब 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो चीज़ें पूरी कंठस्थ होंगी, दिमाग में आएंगी, जब रिकॉल करेंगे बार बार सोते हुए भी थोड़ी बहुत माइंड रिकॉल के लिए कि हाँ ये चीज़ पढ़े थे, तो अब फिर देखें कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर बार बार रिकॉल करेंगे तो उससे माइंड भी तेज होता है, तो चीज़ें ऑटोमेटिक फिर बैठती चली जाती है, सेट होती जाती है। और पढ़िए,